नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन स्तर की सामान्य रेंज कितनी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं क्रिएटिनिन रेंज और इसकी स्टेज के बारे में। क्रिएटिनिन रेंज को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पुरुषों में इसकी अलग रेंज होती है, महिलाओं में अलग और बच्चों में अलग। आइए जानते हैं इसकी सामान्य रेंज कितनी होती है। पुरुषों का सामान्य क्रिएटिनिन 0.7 से 1.3, महिलाओं में सामान्य रेंज 0.5 से 1.2 और बच्चों में क्रिएटिनिन की सामान्य रेंज 0.3 से 0.7 होती है। अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन इससे अधिक हुआ तो यह आपकी किडनी में खराबी की वजह से हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल कितना होना आपकी किडनी में खराबी की कौन सी स्टेज को दर्शाता है। अगर आपकी किडनी 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट रक्त साफ करती है तो ये किडनी खराबी की पहली स्टेज मानी जाती है। किडनी खराबी की दूसरी स्टेज में 60 से 90 मिलीलीटर पर मिनट रक्त साफ करती है। अगर आपकी किडनी 30 से 60 मिलीलीटर पर मिनट तक आपके रक्त की सफाई करती है तो ये किडनी खराबी की तीसरी स्टेज मानी जाती है। वहीं आपकी किडनी अगर 15 से 30 मिलीलीटर पर मिनट आपके रक्त की सफाई करती है तो ये किडनी खराबी की फोर्थ स्टेज होती है। किडनी जब 0 से 5 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड साफ करे तो ये किडनी की पांचवी यानी कि किडनी फेलियर की स्थिति होती है। तो ये है किडनी खराबी की स्टेजेस। अगर आपकी किडनी आपके रक्त को कितने प्रतिशत साफ कर रही है इसको जानना है तो इसके लिए आप KFT जांच करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपकी किडनी खराबी की कौन सी स्टेज है। क्रिएटिनिन को सामान्य रखने के लिए हमने अपने चैनल पर डाइट संबंधी जानकारी दी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें। अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की तकलीफों से दूर रहते हैं। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल पंडित। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी आपको? ये मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और जिससे किडनी का प्रॉब्लम दिखा रहा था। क्रिएटिनिन कितना था जब आए थे? 7.2। कितना समय हो गया मेडिसिन लेते हुए? एक महीना। अभी आपने दोबारा टेस्ट कराया है? 4.2 आया है। रिपोर्ट दिखा दीजिए। रिपोर्ट ये है। कहाँ से इलाज करा रहे हो? कहाँ से टेस्ट कराए हैं आपने? एम्स से।